देखिए, जैसा हम सबको मालूम है कि आज मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत हुआ है, और इस पूरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी अधिक जोर दिया गया है। और चूंकि जो विभाग मैं आज के समय देख रहा हूँ, पीएचई डिपार्टमेंट, इसमें जल जीवन मिशन जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से इस मिशन को लॉन्च किया था, और मध्य प्रदेश में इस प्रकार 2020 में शुरू हुआ। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020-21 पहला साल था, 2021-22 दूसरा साल था, और 2022-23 जिसका बजट पेश हुआ है वो तीसरा साल है। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शत प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के घरों को, जिनकी संख्या लगभग 122 लाख के आसपास है, उन सभी में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और आपके जान की प्रसन्नता होगी कि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उसके लिए राज्य सरकार ने इस बार 3,150 करोड़ का प्रावधान राज्य अंश के रूप में लिया है। और ये ऐसी योजना है जिसमें आधी राशि केंद्र शासन की होती है, आधी राज्य शासन की होती है, अर्थात करीब करीब 6,300 करोड़ की राशि हम इस वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए व्यय कर पाएंगे। और इस योजना के महत्व से तो आप परिचित ही हैं कि ना सिर्फ यह इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शुद्ध जल उपलब्ध होता है, जिससे ना सिर्फ विशेष तौर पर ग्रामीण जनता को और विशेष तौर पर महिलाओं को, बच्चियों को, जो साधारणतः घर में पानी लाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उन पे रहती है, उनको बड़ा इससे राहत मिलेगी। और राज्य सरकार ने ये जो बजट में एक इतनी अधिक राशि का प्रावधान किया है, इससे मिशन को काफ़ी गति मिलेगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जल जीवन मिशन के माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट, जिसका बजट पहले लगभग 2 से 2.5 हज़ार करोड़ के आसपास होता था, आज की स्थिति में अगर हम टोटल बजट देखें पीएचई डिपार्टमेंट का, जैसे मैंने बताया कि जल जीवन मिशन में तो लगभग 6,300 करोड़ है केंद्र और राज्य अंश मिला के, और अगर हम पूरे बजट की बात करें विभाग के, तो लगभग 8,000 करोड़ के आसपास, तो लगभग लगभग 3 गुना बजट पीएचई डिपार्टमेंट का और इसके माध्यम से जल जीवन मिशन का किया गया है, जो शासन की मंशा को स्पष्ट करता है कि कितनी अधिक प्राथमिकता का ये कार्यक्रम है। इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, चूंकि जिस समय यह जल जीवन मिशन का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में लगभग 13 लाख के आसपास घर थे जिसमें नल के से कनेक्शन थे ग्रामीण क्षेत्रों में, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मात्र 2 वर्ष में ये संख्या बढ़ के लगभग 47 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, 47,20,000 के आसपास। और लगभग 4,100 गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी घर छूटा नहीं, 4,100 गांव शत प्रतिशत वहाँ पर नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। सर, बुरहानपुर जैसा कि हर जन जिला है, इसी तरीके से आगे वो क्या टारगेट रखे, वो बजट में क्या कुछ प्रावधान है कुछ? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, और ये विभिन्न प्रकार की योजनाओं से किया जाता है। कुछ ऐसी योजना होती है जो भूमिगत जल पर आधारित होती है, जिसको हम एकल नल जल योजना कहते हैं, और कुछ जो होती है वो कई गांवों की एक साथ होती है, जिसको हम समूह नल जल योजना कहते हैं। बुरहानपुर का आपने नाम लिया, और ये
बताते हुए मुझे खुशी है कि बुरहानपुर आज की स्थिति में प्रथम जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का, जिसमें 100% ग्रामीण क्षेत्र में घरों से नल के माध्यम में हर एक घर में जल पहुंचाया जा चुका है। और जैसा आपने बोला कि आगे आने वाले सालों में क्या हमारी योजना है, तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले साल में अर्थात 2022-23 में लगभग 4 जिले और 100% हर घर जल से आच्छादित हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके हमारा प्रयास होगा क्योंकि पूरे प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत हर घर जल के अंतर्गत घरों में टोटी के माध्यम से पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। इसमें एक चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि हर घर में ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ इस कार्यक्रम में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी आंगनवाड़ियां हैं, जहाँ छोटे बच्चे जाते हैं, हमारे स्कूल हैं, उनमें भी सामान्यतः हैंडपम्प के माध्यम से पानी उपलब्ध रहता था, तो अब ये प्रयास किया गया पूरे प्रदेश में पिछले 2 साल में लगभग 1 लाख से अधिक स्कूल और आंगनवाड़ी में हमने पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल टंकी के माध्यम से, और जो बोरिंग थी अगर उसमें पर्याप्त पानी था तो वहाँ पर पंप लगा के और एक प्लेटफॉर्म बना के, जैसा आपने देखा होगा कि कुछ स्कूलों में या जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो यात्रियों की सुविधा के लिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसी तरीके का हम लोगों ने आंगनवाड़ी और स्कूलों में भी ये सुविधा जल जीवन मिशन के माध्यम से उपलब्ध कराई है। उससे 2 फायदे हैं, स्कूलों में एक तो शुद्ध जल उपलब्ध होता है, और हम सभी अभी अभी कोरोना के समय से निकले हैं, और कोरोना के समय में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी कि अपना हाथ बार बार धोया जाए जिससे कि हम इस महामारी से दूर रह सकें, उसमें भी इससे मदद मिलेगी। और कई स्कूलों में जहाँ मध्याह्न भोजन से भोजन तैयार किया जाता है, वहाँ रसोई बनाने में भी इस प्रकार से पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, और आगे आने वाले समय में जो अन्य सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, भले वो पंचायत भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, उसमें भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।